बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड फिनाले खत्म होने के बाद अब सभी के जुबान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि आखिरकार बिग बॉस सीजन 15 में कौन कौन से कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं। बल आपको बता दूं कि सबसे पहले कंफर्म कंटेस्टेंट तो प्रतीक सहजपाल खुद ही बन चुके हैं और उसके बाद भी दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको छुपाया जा रहा है कि वो अभी फिलहाल बिग बॉस सीजन 15 में नहीं नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो और कंटेस्टेंट हैं, वो भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के ही, जिसको बिग बॉस सीजन 15 में आप देख पाएंगे। वेल कौन कौन से हैं वो कंटेस्टेंट, चलिए पूरी खबर हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। पहले आपको बता दूँ कि बिग बॉस ओटीटी में जिस तरह से फिनाले राउंड हुआ उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा है अब हर जगह कि बिग बॉस सीजन 15 में कौन कौन से कंटेस्टेंट होंगे, स्पेशली बिग बॉस ओटीटी के कौन कौन से कंटेस्टेंट होंगे, सबको इसी बात का कंफ्यूजन है। वेल, आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि सबसे फर्स्ट कंटेस्टेंट है प्रतीक सहजपाल, उसके बाद रनर अप, जी हाँ सेकंड रनर अप यानी निशान भट्ट भी आपको नजर आएंगे बिग बॉस सीजन 15 में। जी हाँ, निशान भट्ट को क्वारंटाइन कर लिया गया है और क्वारंटाइन होने के बाद वो 2 अक्टूबर को आप सबके सामने बिग बॉस सीजन 15 में नजर आएंगे। वेल, आपको बता दूं कि निशान भट्ट के साथ साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की विनर दिव्या अग्रवाल भी आपको नजर आने वाली है बिग बॉस सीजन 15 में। जी हाँ, दिव्या अग्रवाल फिलहाल क्वारंटाइन नहीं हुई है, लेकिन प्रतीक सहजपाल और निशान भट्ट को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में दिव्या अग्रवाल भी होटल में क्वारंटाइन हो जाएंगी। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं प्रतीक सहजपाल के साथ साथ निशान भट्ट और दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस सीजन 15 में देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे शाम के साथ। धन्यवाद।